माता के। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है विकसित भारत 2047, है आजादी के 100 साल बाद यानी 2047 तक हम किसी विदेश पर निर्भर न रहे। हम आयात निर्यात एवं सभी अत्याधुनिक सामान की बनावट और उससे जुड़ी हर एक छोटी से छोटी चीजों को अपने ही देश में विकसित करें तथा अपने देश को एक ऊंचाइयों पर ले जाए। किसी को आगे भागे हुए और आप सभी लोगों को जागरूक करते हुए अब तक यूनिवर्सिटी आप सभी के बीच एक नूतन प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका उद्देश्य है विकसित भारत 2047। अरे तुम्हें पता है कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला? प्रधानमंत्री जी का भाषण, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में क्या कहा है? भाइयों और बहनों, हर देश में एक ऐसा कालखंड जरूर आता है जब देश अपनी विकास यात्रा को बढ़ा लेता है। यह एक तरह से देश का अमृत काल होता है। भारत के लिए यह समय अभी आया है जब देश एक क्वांटम जंप लगाने जा रहा है। हम जिस भी क्षेत्र में हैं, हमें सोचना चाहिए कि उस क्षेत्र में ऐसा क्या प्रयास करें जिससे देश विकसित हो सके। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समाज का नागरिक होने के नाते हमें 24 घंटे कैसे सजग रहना है, उस प्रयास में भी आगे आना है। जब देश के नागरिक देश के हित में सोचेंगे तभी एक सशक्त समाज का निर्माण हो सकेगा। और आज इस मिशन यानी भारत 2047 का आरंभ हो रहा है। धन्यवाद। हम इस गुलामी की मानसिकता में कब तक रहेंगे? हम इस गुलामी की मानसिकता में तोड़ते हैं ना इस जंजीर को। ज्यादा नहीं बस एक कदम, ज्यादा नहीं बस एक कदम बढ़ाकर बदलते हैं ना भारत की तस्वीर को। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया है। हमारा भारत, सबका भारत, हमारा भारत। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। ओ ओ देखो, 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 ओ ओ देखो। हेलो,
करते हैं चर्चा, आत्मदम जल्दी आ जा रहे हैं। 2047 तक हमारा भारत 30 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था को हासिल कर लेगा और चारों तरफ हमारा ही डंका बजेगा। अरे वाह, 30 लाख। हाँ चचा, और चचा एक बात बताए, अब लगभग 10 लाख करोड़ का जरूरी सामान देशों में निवेश रहे होंगे। अपने देश का पता। हाँ चचा, भारत में बनेगा। और आपको एक काम की बात बताएं, आप अपनी कान की मशीनरी बराबर वाली दुकान से ले पाएंगे। और बताओ तो सुनो, भारत में हर ओर खुशहाली होगी और पूरी धरती पर रहने योग्य उत्तम स्थान होगा। और चाचा, जो आज आप AIML का नाम सुनते हैं ना, तब तक यह भारत में और विकसित हो चुका होगा और भारत के हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा होगा। इतना अत्याधुनिक होगा भारत। हाँ चाचा, यह सब छोड़ो, तुम्हें एक काम की बात बताते हैं, 2047 तक हमारे खेती बाड़ी के काम $8 trillion तक पहुँच जाएंगे। अरे बहुत बढ़िया, ये तो बहुत सुंदर। और बताओ। अरे चाचा, इन्होंने जो बताया वो तो कुछ भी नहीं है। हम एक बात बताएंगे ना तो आपके दिमाग के तोते उड़ जाएंगे। तक भारत परिवहन में इतना आगे बढ़ जाएगा कि भारत में जो भी गाड़ियां बनेंगी उनमें ड्राइवर नहीं होंगे। हैं? बिना ड्राइवर के चलेगी? हाँ चाचा, यही तो बात है, बिना ड्राइवर के। और एक काम की बात बताएं, 2047 तक रक्षा के क्षेत्र में भारत अपना एक अमूल्य योगदान दे रहा होगा। और चाचा, जो आज आप सुनते हैं ना कि हमें S-400 दूसरे देशों से खरीदना पड़ रहा है, फलाना विमान दूसरे देशों से खरीदना पड़ रहा है, तब तक इस सारे के सारे रक्षा के अत्याधुनिक सामान भारत में ही बनेंगे। भारत में बनेंगे? हाँ चाचा, आगे बढ़ेगा भारत। हाँ चाचा, आगे बढ़ जाएगा। बढ़िया। और चाचा, ये तो कुछ भी नहीं है, 2047 तक भारत पूरे विश्व को शांति, स्वास्थ्य और अध्यात्म का ज्ञान दे रहा होगा। और जैसे हमने पिछले दशक में पूरे विश्व को योगा सिखाया, उसी तरह 2047 तक आयुर्वेद का ज्ञान भी घर घर पहुँचेगा। बहुत सुंदर, अति सुंदर। बच्चा, ये सब सुन के तो हमारा दिल भर आया। बहुत बढ़िया, इतना सुंदर भारत होगा। वाह, एक बात तो हमको अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसका, कहावत याद आ गई, क्या कहते हैं, एवरी इंडियन इज हैप्पी, एवरी इंडियन हैज फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। भैया, आपने तो सब कुछ बता दिया, पर 2047 में हमारे देश का लैंडमार्क कैसा होगा? आप भी एकदम चचा की तरह जल्दी आ जा रहे हैं। अच्छा सुनिए, सुनाइए। हमारा देश परिवहन में हर विश्व को टक्कर देगा और कई गगनचुंबी इमारतें भारत की शान होंगी। अच्छा भाई, मैं तो छात्र हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में भारत का क्या योगदान रहेगा 2047 तक? 2047 तक भारत शिक्षा का केंद्र बन चुका होगा, और तो और हर ओर ज्ञान की धारा बहेगी, और विदेशों से भी एक बड़ा समूह भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आएगा और भारत अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। पूरी धरती में अगर कहीं बेहतरीन शिक्षा की बात होगी तो भारत का नाम अव्वल नंबर पर आएगा। बहुत सुंदर, इतना सुंदर भारत होगा कभी हम सोचे ही नहीं। वाह, तो देखा चाचा, हमने आपसे कहा था थोड़ी देर रुक जाओ, पता तो चल जाएगा ना 2047 का भारत कैसा होगा। सुंदर होगा।
होगा तो युद्ध हो। इसी पे एक बात बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता के जय। आओ आओ रुकर देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ रुकर देखो, आओ आओ नाटक देखो। प्यारे श्रोतागणों, जैसा कि आपने देखा हमारी एक छोटी सी प्रस्तुति विकसित भारत एट द रेट 2047। लेकिन प्यारे श्रोतागणों, यह विकसित भारत तब तक नहीं संभव है जब तक आज हम आप सभी लोग हमारे साथ खड़े होकर संकल्प न ले। इसलिए यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी अपने अपने जगह से खड़े होकर और अपने हाथों को आगे निकालकर मेरे साथ संकल्प को दोहराएं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता के जय हिंद। धन्यवाद।